तो अभी दोस्तों सनसेट होने में थोड़ा बहुत टाइम है और सामने में देखिए जो लास्ट की धूप बची है, और ये देखो इनको तो तुम जानते ही होगे। कितने प्यारे लग रहे हैं यार सूरज। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक, फिर से स्वागत है आपका हमारी एक और नए कैंपिंग एडवेंचर में। तो आपको कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है पीछे से? भाई पीछे से आ चुकी है तगड़ी वाली बारिश। बस हाँ अभी एक फायदे का काम ये हुआ है कि एक टेंट अपना पिच हो चुका है, दूसरा टेंट पिच करना बाकी है, और देखो बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, देखो छींटे आने लग भाई गए साहब, भाई। जल्दी करो, तुम टेंट पैक करो फिर, मतलब पिच करो। तो अभी दोस्तों देख सकते हो अपना एक टेंट पिच है, बाकी दूसरा टेंट यार अभी पिच नहीं कर रखा है, क्योंकि जब भी हम लोग बैठते हैं ना साथ में इतनी लंबी चौड़ी बातें हो जाती हैं, आलस आ जाता है फिर। गाइस ये देखो पेड़ों की हालत क्या है, इतने तगड़े हिल रहे भाई, ये देखो। भाई मैट तो मैं बिछाऊंगा बाद में, क्योंकि अभी मैट बिछाऊंगा तो वो उड़ जाएगी, तो पहले करते हैं टेंट को पिच करने की तैयारी। और पिछली रेन कैंपिंग के बाद ना और टेंट पूरा गीला है मेरा अभी भी, हल्की हल्की बूंदा बांदी हो रही है भाई, क्या पता कि इस एक्सट्रीम विंड के साथ बारिश भी हो जाए। समय रहते अपना टेंट पिच हो चुका है, फटाफट अंदर सामान बिछाते हैं भाई। अब कोई रिस्क नहीं है, ये अब अंदर जा चुका है अपना बैग। बिल्कुल 2 मीटर की दूरी पे आमने सामने में हमने अपना अपना टेंट पिच किया है, क्योंकि एरिया भी रिस्की है भाई, आग वाग है नहीं इस टाइम पे, और तूफान तो आप देख ही रहे हो कि कैसा आ रहा है, और साथ में बिजली कड़क रही है, बूंदे टपकनी शुरू हो गई। तो जिस चीज के लिए ना कैंपिंग की आप लोग डिमांड करते रहते हो बार बार, ये देखो मजा आ गया, बारिश शुरू हो चुकी है, बारिश शुरू है। अरे तेज भी आ रही है यार, अनुदा तेज आ रही है, बस ये हवा के साथ उड़ने वाली बारिश ना हो। अरे बंद करने पड़े इसको भाई, तेज आने लग गई ना, बहुत तेज आ गई, बंद करने पड़े इसको। पानी की बोतल दे दो, ये मेरी है, ये वाली, ये वाली। तो अभी दोस्तों बारिश आ चुकी है बहुत तेज, और देखो सामने में भाई आशीष भाई का टेंट है, और यहाँ पर मैंने टेंट लगा रखा है, बाकी मैं दिख रहा हूँ कि नहीं तुम्हें? दिख रहे हो यार, नाव से तुम फटाफट से चाय बनाओ, मैं पापड़ तलता हूँ। ठीक है भाई साहब, अचानक से क्या है यार, बारिश है, बंद हो गई अभी ना? अभी बंद होगी लेकिन अभी और होगी। ये देखो भाई एक टेंट से दूसरे टेंट,
कितना प्यारा लग रहा है देखो। फिर बढ़ गई भाई बारिश, देखो फिर शुरू हो गई बारिश यार। पापड़ में घड़ी भूल आया हूँ, पापड़ घड़ी भूल आई। हाँ क्या पार्क कर रहे हैं यार। बारिश हल्की हल्की चली हुई है और बाकी ना अपनी अभी तक तो टेबल भी सेट नहीं है, और देखो ऐसे भीग गया सारा कुछ। ये बारिश में तो भाई अलग ही मजा आता है, रिस्क की जगह है लेकिन दो लोग साथ में हैं। बॉक्सेस वगैरह सब कुछ निकाल लेते हैं, सारा कुछ दोस्तों पिछले दिन से सब भीगा हुआ है इसमें। ये अपनी सीटिंग बैग, हम मस्त करके मैं बना लेता हूँ चाय और भाई इधर पापड़ कर दे, और ठीक ठाक रख देते हैं। सफाई भी उतनी जरूरी है। देखो पानी उबल चुका है, इसमें डाल देते हैं चाय पत्ती और चीनी एक साथ, और ये है अपनी मसाला चाय। अब दोस्तों डाल देते हैं दूध। बढ़िया भाई, चाय उबल चुकी है। वाह क्या आ गए भाई, भीग गया यार मैं थोड़ा सा। ये देखो तुम्हारा टेंट गंदा हो जाएगा करके मैं जल्दी आ गया। कब कहा मैंने, कब फिर भी नहीं लाए। कभी है ना फिर नहीं लाया। चलो चाय भी ठंडी हो जाएगी यार, जल्दी जल्दी डालो। बेबी का चीज़ वाव मस्त बन गया। अच्छा लेकिन मीठी याद है ना, बना रखी है जान मुझे। क्यों अभी मन कर रहा था मीठी चाय, मेरा तो मीठा वैसे ही भीग रखे थे, मीठी चाय होगी थोड़ा सही लगेगा। और साथ में अपने पास ये गर्मा गर्म ठंडे ठंडे पापड़, गर्म कैसे होंगे, गर्म अच्छे लगते हैं क्या बाबा, पापड़ ठंडी होती है। ये क्या है, आधा है क्यों तला है। तुम तो बोल रहे थे कट 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 के खाने में मजा आता है, एक ही होगा बच्चों ये पी लिया। क्या करें फिर, अब टाइम तो बहुत ज्यादा हो चुका है, चलो चलते हैं यार तुम बनाओ फटाफट से। 10:40 यार मेरे को तो नींद आने लगी है। कोई नहीं है, थोड़ी देर की बात है, ज्यादा टाइम थोड़ा लगेगा कुकिंग करने में। शॉर्ट शॉर्ट कुछ बनाते हैं, बनाओ सरप्राइज होगा एक दूसरे के लिए कौन क्या बनाता है। फटाफट खाएंगे पिएंगे और सोएंगे। मैं तो फटाक से बनाने वाली चीज बना रहा हूँ भाई। क्या चलो फिर है, बाय बाय टाटा। चलो भाई सबसे पहले तैयार कर लेते हैं आलू, उसको तो इनको मैं छील लेता हूँ। बहुत सारे लोग तो भाई समझ गए होंगे क्या बनाने वाला हूँ। भाई साहब प्याज कितने बड़े बड़े आ रहे हैं यार आजकल ना। इनको सिर्फ नॉनवेज ही देखना है, उनके लिए भाई बहुत ज़्यादा सॉरी। जिनको वेज देखना है भाई वो मस्त कुकिंग एंजॉय करें और मुंह में पानी आए उनके तो पी जाना।
तो पी जाना भाई। बाकी जो लोग नॉन वेज देखना चाहते हैं वो भी कुकिंग एंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारे लोग समझने लग गए होंगे, तो मैं इनको ना एक बार धो लूंगा, उसके बाद थोड़ी देर इनका स्टार्च निकालने के लिए इनको भिगा दूंगा। भाई पानी एक्स्ट्रा लाना पड़ा। ये थोड़ी देर इनको साइड छोड़ देते हैं, तब तक मैं ना बाकी का काम कर लेता हूँ। भाई लाओ जल्दी दो। एक और दूं? हाँ ये होगा। हाँ बड़ा बड़ा देना। बड़े हैं दोनों। इतना हाँ, नहीं लगेगा। लाओ लाओ। इतना नहीं लगेगा। अरे लगेगा भाई। अरे प्याज बहुत महंगा होगा। देखो भाई देख रहे थे, सोच उनका निशाना था सर पे मेरे। देखा क्यों नहीं, क्यों नहीं? वो बच गया मैं इसकी वजह से। जब तक आलू का थोड़ा स्टार्च निकलता है ना, मैं बाकी की सब्जी काट लेता हूँ। जरूरी नहीं है दोस्तों कि ये चाकू से ही काटा जाए, आज मैं हाथ से तोड़ के काम चलाने वाला हूँ। देखो देखो भाई, कुछ इस तरह के पीस काटने थे मुझे, जो कि मैं काट चुका हूँ। बहुत ही कम ऑयल डाल रखा है मैंने। खाली बस इसको भूनने के लिए ना। ये है गाइस, इसके भी क्यूब्स काटने हैं भाई। मुझे लग रहा है कि एक ही प्याज इनफ है। हवा देख रहे हो कितनी तेज चल रही। वहां तो दोस्तों देखो मसाले भी पड़ चुके हैं, सारे कुछ बन गया भाई। नहीं यार ऐसे बनने में टाइम है। आज तो भाई कुछ तकड़ा खाना बना रहे भाई। अरे ऐसी चीज बना रहा हूँ ना भाई। आए हाय, तुम खाओगे खाते रहोगे, तुम कहोगे भाई आज तक क्यों नहीं खिलाई। अच्छा इतनी शानदार, मतलब खाई तो तुमने बहुत बार होगी ना वो चीज। हाँ लेकिन जो तुम बनाते हो स्पेशल है। अच्छा आउटडोर में कुक हो रहा है, एक तो इसका टेस्ट वैसे इनहेंस होगा। अच्छा दूसरा मेरे यादों का बन रहा था भाई, टेस्ट ऑटोमेटिक इंक्रीज होने वाला था ना। है चलो भाई, मेरा मसाला तो भाई रेडी हो चुका। मेरा नहीं मतलब आलू मसाला रेडी हो चुका। देखो भाई मार्केट में मुर्गा मसाला, चिकन मसाला, मतलब मटन मसाला सब आते हैं। आशीष मसाला तैयार है यहाँ। वंदना। हाँ भाई आशीष मसाला खाओगे? बिल्कुल भाई बिल्कुल खाएंगे। अब मार्केट में बहुत जल्दी आने वाला है आशीष भाई की तरफ से अपना ब्रांड आशीष मसाला, तो भाई जब आपको मार्केट में देखने को मिले जम के सपोर्ट कीजिए इसको, ठीक है। अरे अननोन ड्रीमर मसाला भी बना सकते थे लेकिन उतना नाम अच्छा नहीं लग रहा था, तो आशीष मसाला बढ़िया है। जैसे अशोक मसाले, बाकी के मसाले तो बहुत सारे बैन भी हो गए अभी, लेकिन आशीष मसाला अच्छा चलेगा। ये देखो इसमें से स्टार्च निकल चुका है, तो मैं अपना इसका पानी बाहर निथार लेता हूँ। अब दोस्तों ये देखो अपना पूरा जो कुछ भी मैं बनाने वाला हूँ सारा आइटम तैयार है। आप में से बहुत सारे लोग अब समझ चुके हैं, तो बस देखते रहिए, इंतजार कीजिए। इंतजार की घड़ियाँ ख़त्म होंगी, थोड़ी देर बाद हम लजीज लजीज खाना खाएंगे और आप लोग उसको सोच सोच के इंजॉय करना।
सॉरी यार किसी को बुरा लगे तो। तो भाई इसमें सबसे पहले डाल लेते हैं ऑयल, बर्तन मुझे लग रहा है कि छोटा हो गया और आइटम ज्यादा हो गए। अजीवाइन कोई नहीं, इससे ये होता है एक तो बाइंडिंग अच्छी होती है और दूसरा पचाने की भी काम आता है ना, तो तैयार होगा। अनुदा बनने लग गया तुम्हारा था। हाँ चलो सही है सही है, मेरा भी हो जाता है रेडी सब कुछ मामला। हाँ ये बढ़िया से तैयार हो चुके हैं भाई, तो अब इनको मैं निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों इस बर्तन में यार निकाल लेता हूँ, लेकिन मेरे पास ना थोड़ा सा छन्नी की और पेपर की कमी है। पेपर की कमी क्या मतलब, मैं लेके ही नहीं आया भाई। ये देखो इतनी पतली बना दी मैंने यार। ये कॉर्न फ्लावर बढ़िया मसाला फिर है। बाहर शायद थोड़ा कोरा कोरा भी चल जाने वाला हो ना। हाँ हल्का हल्का ही मिला लिया जिससे कि पतली लेयर बन जाएगी। एक ब्रेड तो ऊपर का वेस्ट ही जाता है, खाओगे भाई? ब्रेड क्या बनाने वाले हो आज, लाओ यार ब्रेड पकड़ो। अभी उड़ेगा नहीं यार, उड़ जाएगा। अरे गैस ऑन कर ली यार, हमेशा इस गैस में पता है बाल जलते हैं यार। तेल हो चुका है तो सबसे पहले डालते हैं प्याज। अरे दोस्तों प्याज हो चुका है तो अब शिमला मिर्च भी डाल देते हैं भाई। ऑल टाइम फेवरेट किचन किंग। इसके बाद स्वाद अनुसार मैं डाल देता हूँ नमक। नमक थोड़ा कम डालूंगा भाई क्योंकि काला सोया सॉस है ना, उसमें भी नमक रहता है। इसके बाद दोस्तों हल्की सी डाल देते हैं मिर्च और हल्का सा डालते हैं गरम मसाला, बहुत कम नाम मात्र का। अब इसके बाद डाल देते हैं भाई ये थोड़ा सा डाल देते हैं गाइस ये पेरी पेरी मसाला, जितना आपको दिख रहा है ना इतना नहीं डालना है, इसका हाफ डालूंगा मैं। और इसके बाद डालेंगे भाई जम के टोमेटो सॉस और ये काला सोया सॉस, और इसमें डाल देंगे इसके लिए तैयार किया हुआ कॉर्न फ्लावर का लिक्विड। तो भाई अब आप लोग बताना कि इसमें क्या किए, दिखने में कैसा लग रहा है आप लोग खुद ही बताना। अब है इंतजार आशीष भाई की डिश का। कितना टाइम लगने वाला है भाई? अच्छा अभी है टाइम भाई, बहुत अच्छी दिख रहा है यार। सही है भाई, दुकान और अपने वाले में क्या अंतर है?
क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। खुशबू तो गजब आ रही है यार एकदम। मजा आ रहा है यार। मैं इसमें से भाई साहब, तो भाई ग्रुप कैंपिंग करने का मजा यही है कि अपने लोगों को खाने मिलेंगी, दो दो बढ़िया चीजें खाने को मिल जाती है। एक जगह बना है ब्रेड पकोड़ा और ये बने हैं अपने चिली पटेटो, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है कि हल्का सा आशीष भाई ने मेरे लिए बचा रखा था धनिया, तो मैं इसमें गार्निश कर लेता हूँ ये धनिया। सबसे पहले अनुदा कुछ इस तरीके से हम दो दो तो ले लेते हैं फिलहाल, है ना। ये हो गए अपने और चिली पटेटो। अच्छा इसमें हल्का सा वो वाला सॉस चाहिए होगा यार, रेड टोमेटो सॉस लाओ है तुम्हारे पास? हाँ रेड चाहिए होगा, चाहिए होगा। वाह गजब लग रहा है। एक कांटा तुम्हारे पास है, एक चम्मच मेरे पास है, ठीक है। हाँ खाने के लिए तो वाह भाई, ये देखो रात के 1 बजे ऐसा खाना। 1 बज गया, कौन सा रेस्टोरेंट देगा आपको बताओ। अभी इतना बचा भी है, देखो 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 देखो, मजा आएगा। पहले तो मैं क्या चेक करूं, ये देखो खाने के लिए चम्मच ले लूँ अब। हाँ वाह बढ़िया बनाया यार, दो दो डिश खाने को मिल जा रही है, इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है ना। आज बारिश का मौसम था तो कुछ चटपटा खाने का मन था ही, तो मज़ेदार तीखी और मीठी और बढ़िया एकदम मतलब चटाकेदार जिसको बोलते ना, एकदम ऐसा दिया। और ब्रेड पकौड़ा पे कूदते हैं, टूटो भाई टूटो। फ्लेवर कैसा हो रखा है इसका? एक नंबर। मजा आ गया ब्रेड पकौड़ा में, शानदार होगा ना। इतना बढ़िया स्टफिंग हो रखी ना दोस्तों, कहीं कहीं क्या होता है कि बहुत ही मोटी लेयर लग जाती है, उसमें मजा नहीं आता। हाँ फिट है ये थिन लेयर, और ना मुझे ब्रेड पकौड़ा पसंद नहीं है, लेकिन ये अच्छा लग रहा है। जिन लोगों को भी शादी वादी में अपना कुछ कैटरिंग वगैरह करवानी है आशीष भाई से कांटेक्ट कर सकते हो। तो भाई दोस्तों चलो अभी सोने का प्रोग्राम सेट करते हैं, और रात के हम बहुत देर में सो रहे हैं, लगभग 1:29 हो चुका है रात के। भाई साहब 1:30 बजे सो रहे हैं, चलो पुराने दिन वापस आ गए, पहले तक भी हम ऐसे ही सोते थे। मैंने संभाल दिया। चलो जी कुल मिलाकर के तो मजा आया भाई खाना पीना खाने के बाद, और अभी बस देरी है तो सोने की, कमर भी थक चुकी है यार सुबह से बैठे बैठे हैं। एंकर इस भाई को 100 रुपए की सुपर चैट देना यार, इनके बाल काटने हैं। ठीक है हैं बढ़िया से, इसको बिना तकिए की आती नहीं है नींद, भले ही ज्यादा हो जाए नींद आएगी, इनकी तकिया चुरा के मैं यूज कर लूंगा दोस्तों, नो टेंशन। ठीक है तो भाई अभी सो जाए, फिर सो जाते हैं, करें फिर डोर क्लोज। अपना खाना पीना हो चुका है, अब सोते हैं भाई, है ना, और मिलते हैं आपसे कल सुबह। सुबह दिखाते हैं यहाँ के प्यारे प्यारे नज़ारे, बाकी अगर कुछ भी होता है तो दो लोग हैं आज, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों तीन है, ये भी तो है। सही फिर तो गुड नाइट दोस्तों, स्वीट ड्रीम्स, बाय। क्लोज कर लो फिर दरवाजा। तुम यहाँ गौर से सोए रहोगे तो यहाँ लेपर्ड की आवाज आएगी ही आएगी।
मैं तो जितनी कैंपिंग इस एरिया में कर रखी है हमेशा आवाज आई है। सच्ची में काफी टाइम के बाद यार ना? चाय मॉर्निंग की फटाफट पैकिंग करते हैं और यार निकलते हैं। अपनी पैकिंग हो चुकी है भाई और मुझे थोड़ा सा जल्दी निकलना है, तो भाई की भी पैकिंग हो चुकी है, वैसे बस 2-4 मिनट और लगेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये ग्रुप कैंपिंग ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, और जो चैनल पे नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जरूर जरूर और ज़रूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने में भाई आपका कुछ नहीं जाता है। और इसी तरह के बढ़िया बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो देखने के लिए चैनल पे विजिट करते रहिएगा भाई। और अब हम मिलते हैं आपको एक और नए ब्लॉग पे नई लोकेशन के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपने को इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी के मजे लीजिए, जिंदगी के मजे लीजिए। बाय बाय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। और पीछे भजन भी चल रहे हैं, देखिए।